हेलो नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का इंग्लिश का पेपर है। प्री बोर्ड एग्जाम 2024 का है और इसमें दिया है कि सेक्शन ए में दिया है कि एमसीक्यूएस 20 मार्क का है। जो तो दिया है कि पहला, रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको इसमें से आंसर देना है। तो इसमें पहला है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि द पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और दूसरा है कि टू हुम डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम बिग, तो इसका जब आप पढ़ेंगे तो फादर हो जाएगा, टू अ फादर। और तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस, तो एंडलेस का अपोजिट कंटिन्यूअस होता है, ए हो जाएगा। और चौथा है कि ट्रिकी एक्चुअली प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी, तो वो मीटिंग की, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और पांचवा है कि मैक्स वाज अ, मैक्स क्या था, तो एक सीक्रेट एजेंट था, आंसर बी हो जाएगा। और छठा है कि व्हाट वाज द होरेस एलर्जिक टू, होरेस को किस चीज से एलर्जी थी, तो इसका छह का हो जाएगा, डू स्मेल्स ऑफ फ्लावर्स, तो इसका आंसर डू हो जाएगा। और सातवां है कि ई ब्राइट लॉस्ट इन अ कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन, तो सेवन ग्रेड, इसका आंसर हो जाएगा सी। और आठवां है कि मिस्टर लोसेल वेंट टू एमी फ्रोस्टिंग टू बारो, तो इसका आंसर हो जाएगा अ नेकलेस बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर नुआ है कि रीड द पैसेज गिवन ब्रो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर आपको ये पैसेज है, फिर आपको इसको इसमें पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। तो पहला है, नुआ है द टाउन वाज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम वर्लिस विलेज, तो जो टाउन था वली के विलेज से कितना दूर था, तो 6 मील था, आंसर सी हो जाएगा। और दसवां है कि द फेयर ऑफ द बस वाज फिल इन द ब्लैंक्स ऑन वे, तो इसका एक एक तरफ से जाने का कितना किराया लगता था, तो 30 पैसा लगता था। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन ए वॉरियर्स एंड पीपुल हु रेगुलर बस आज सिगरेट एंड दिस वे वेरी द फेयर, 30 पैसे लिखा है यहाँ पे, 30 पैसे, तो 30 पैसा है, इसका आंसर 10 का ए हो जाएगा। और एक ग्रामा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु यूज्ड ऑक्सन मीडोज फॉर 40 ईयर्स, तो अब इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, चूबॉक चू। और बारहवा है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बराबर है, चिल्ड्रेन इन गुड गॉड लॉन्ग फॉर, बराबर बरामा का जो था चिल्ड्रेन इन गुड लॉन्ग फॉर, तो इसका स्वीट हो जाएगा। और 13 है कि द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर बिकॉज, पोस्टमास्टर ने पत्र का उत्तर देने का निर्णय लिया क्योंकि, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेव द राइटर फेथ, इसका आंसर सी हो जाएगा। और 15 की रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ना, फिर इसमें से आंसर देना है। हु इज द पोएट, तो ये अमांडा का जो पोएट है रोबिन केलनी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 15 की अमांडा इज आस्क टू, अमांडा इज आस्क टू, तो इसका आंसर आप लिखेंगे तो आंसर सी हो जाएगा, सीट ऑफ स्ट्रेट। और 16 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसका ऑन संडे वी, ऑन संडे प्ले वी विनिंग द हॉकी, तो इसका सही करेंगे तो आंसर भी हो जाएगा, वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। और 17 है कि द बॉय हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ब्लैंक 2 आवर, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। और 18 है कि माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स इन दिल्ली फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। और 19 के फिल इन द ब्लैंक्स लैंड इज, फिल इन द ब्लैंक्स लैंड और फिल इन द ब्लैंक्स जंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, द द द। और 20 है सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो गलत वर्ड है उसको चूज करना है। तो पहला फैमिली, एड्रेस एम्प्लॉय चैरिटी, तो इसका सेकेंड हो जाएगा, एड्रेस का ADDRESS होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। और सेक्शन बी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग ब्लो, आपको इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि व्हाई वाज द पुअर वोमेन गो टू बुद्ध, बेचारी औरत बुद्ध के पास क्यों गई, तो इसको पढ़ेंगे तो उसका बेटा मर गया था इसलिए वो गई थी।
और बी है कि व्हाट डिड द होली मैन टेलर, पवित्र आदमी ने उससे क्या कहा। तो पवित्र आदमी जब इसमें आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और सी है कि व्हाट वेयर द सैड रिप्लाई डेट पीपुल गेव हर, और उसने और जो दुखी व्यक्ति थे वो इसको क्या उत्तर दिए, आप इसमें पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। और डी की विच वर्ड इज द पैसेज मीन सॉफ्टली, ये वाला कि सॉफ्टली का मीनिंग क्या होगा इस पैसेज में, तो यहाँ पे दिया है टेंडरली, यही होगा सॉफ्टली का। और फिर 22वां है कि राइटिंग राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड अ मैरिज और योर ब्रदर, या तो आप इसको लिखते हैं या तो आप एक अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं चेंज ओवर सब्जेक्ट के बारे में। और 23वां है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द बेसिक्स ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, जो हिंट्स दिया है कि स्कूल डेकोरेशन, फिर सम स्पोर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम्स, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल्स एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्वीट्स, जो ये कमा लगा लगा दिया है आपको इसको हेडिंग डाल के लिखना है, नहीं तो। और अथवा करके दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, आपको इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन देना है उसका, फ्रेश एयर के बारे में लिखना है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल द डे, गुड फॉर स्टडीज और कंक्लूजन। और चौथा है कि चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, जब इसका चेंज करेंगे ना तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट लव इज ब्लाइंड, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका यही हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट लव इज ब्लाइंड। और बी है कि चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस, अकबर डिफिटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, और बी चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस अकबर डिफिटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो जब आप इसका करेंगे तो हो जाएगा हेमू वाज डिफिटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। और सी के पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर वेर एवर नेसेसरी, और द मास्टर सेड द सर्वेंट वांट टू डू, तो वहाँ पे हो जाएगा वेर एवर नेसेसरी टू मास्टर सेड टू द सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा वांट टू यू से कामा फिर इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर डी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। तो आप जब इसका करेंगे एक व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, तो जब आप इसका करेंगे तो हो जाएगा होनेस्ट मैन ऑलवेज टेल द ट्रूथ एंड वॉक ऑन राइट वे, और वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है, तो वह कभी तो इसका हो जाएगा ही नेवर चीट्स एनी वन। फिर ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, तो इसका आप करेंगे तो होनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस, और उसके लिए ईमानदारी सबसे उत्तम नीति हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और 25वां आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स इच, इसमें पहला है कि हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द मंडेला, मंडेला इसको करना है, या और में दिया है कि व्हाई डज एनी फ्रैंक से द पेपर हैज मोर पेशेंट द पीपुल, और बी है कि व्हाट वाज द वर्ली फेवरेट पास्ट टाइम, और अथवा में दिया है व्हाई वाज कीसा गौतमी सेड। और 26वां कैंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, व्हाट थिंग डज मीज डू विच टेल यू डेट ही इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। और बी है कि हाउ डिड द मदर ट्रिक इज द यंग सीगल इन टू फ्लाइंग, और 27वां है कि हु इज द पोएट होपफुल डेट बैरन फ्रॉस्ट विल अगेन बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, या इसको लिखना है, और राइट फोर लाइन पोएम वन ऑफ द फॉलोइंग गिवेन पोएम गिविंग योर टेक्स्ट बुक डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवेन द क्वेश्चन पेपर, आपको एक 4 लाइन का पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 28 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, द ट्री या द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन या द फॉर एनी जॉर्जियो। 29वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट
30 to 40 वर्ड्स ईच। ए है कि व्हाट डिड लोजेल डू द रिप्लेस द नेकलेस, और बी है कि व्हाई डिस डिसम्बर मैरिज विथ होली नॉट टेक प्लेस, और तीस है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। ए है कि मिस्टर हेरियर द वेटर्नी सर्जन इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग इन सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी ट्रम्फी ऑफ सर्जरी, और बी है कि व्हाई डिड हरी सिंह डिसाइडेड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन ईच कैरेक्टर। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।